सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। चाहे शास्त्र पढ़िए, चाहे कथा सुनिए, चाहे सत्संग सुनिए, चाहे प्रवचन कीजिए, चाहे प्रणाम कीजिए, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मन आपका संयमित नहीं है तो। बहुत से लोगों को कहना नहीं चाहिए, कहता हूं। हिमालय के संतों को भी मैंने भेंट किया, दर्शन किया है, संग रहा हूं। और संसार में जितने प्रसिद्ध संत हैं, कथा कहने में उन्होंने दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है, भगवान की चर्चा करने में वो पारंगत है, लेकिन अपने ही अपने लिए नहीं, उन्होंने अपने में पारंगत प्राप्त नहीं किया है, उनका मन का अति सूक्ष्म अंग जो ज्ञान है, बुद्धि, उसने पारंगत प्राप्त किया है। उन पर सरस्वती की बुद्धि की कृपा हुई है, वे पोथी को, वेदांत को, रामायण को, गीता को रट गए हैं। वो अपने ढंग से बहुत अच्छी ऐसी मीठी मीठी रस प्रधान बातें करके हमारे को, आपको सम्मोहित कर सकते हैं। हमारे अंदर हो रही केमिकल प्रक्रिया के रसास्वादन में हमें आपको रसमय, प्रेममय, आनंदमय, वीरमय बना सकते हैं, लेकिन अपने खो जाते हैं, हमें आपको देने में खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना लिया है। वे अपने को व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्थाओं के दास हो गए हैं, उनमें योग्यता है, उनमें प्रगाढ़ता है कुछ देने की, कुछ करने की, अपने आप को बनाने की, लेकिन स्वयं से भेंट करने की, स्वयं के साक्षात्कार करने की, आप प्रभु से के साथ मिलने की, मिलवाने की क्षमता है माध्यम से, व्याख्या करने की, लेकिन मिलने की क्षमता नहीं है। क्यों? कि वो कंसिट्रेटेड माइंड जीते हैं, वे उनका सारा बल, उनकी सारी शक्ति, उनका सब कुछ उस धारा से बह जाता है, बांटने में, देने में, कहने में। इसलिए वे शरीर से रोगी हो जाते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं और अपने को कमजोर बना लेते हैं। संसार के लोग हैं, शक्ति है, बहुत बलवान है, कोई क्रिकेट में माहिर है, कोई फुटबॉल में माहिर है, कोई हॉकी में है, कोई चेस खेलने में है, दे आर बेस्ट। हम भारत के लोग, भारतवासी देवी देवताओं, गुरुओं के उपासक हैं। हम किसी न किसी के साथ जुड़े हैं, हम किसी न किसी के साथ जुड़ करके मांगते आए हैं आशीर्वाद, उनकी कृपा, या हम किसी देवी देवता के पास मंदिर में खड़ा होकर परीक्षा से पहले, किसी काम को करने से पहले जा करके अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आवेदन करते हैं। यह हमारी संस्कार है, हमारी मिट्टी में, भारत भूमि में, हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में ये देन है। लेकिन बहुत कम, जितनी एनर्जी उन्होंने उस काम को करने में लगाया है, जितने अपने शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा को उस काम को करने में लगा, सफलता प्राप्त किया है, उसका थोड़ा सा अंश भी अपने लिए नहीं देते। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, विशाल भवन है, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, भगवान के सफर कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे मित्र, अति सभ्यता है, लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं है, उनका मन प्रभु के साथ नहीं ले जाता। क्यों? संस्कार नहीं बनाए गए। वे दान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, विशाल विशाल मठ मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के आश्रम बनाते हैं, अपने टाइप के संत महात्माओं को खोज करके उनको हाँ अपनी पूजा पाठ में लगवाते हैं, कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है? दे आर वेरी फार अवे, वो अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं, वो इतनी दूर यात्रा कर चुके हैं कि लौटना चाहे भी तो समय उनका साथ नहीं देता। इसलिए मैं ठहरने की बात करता हूँ। व्हाट एवर यू हैव अचीव, जो कुछ भी, मैं जितना सफलता आप प्राप्त किए हो, आप ठहरो, यू हैव टू स्टॉप, पड़ाव डालो, रुको, ठहरो, उसमें सफलता तुम्हें मिलेगी जो कर रहे हो, लेकिन अपने को भी जानो। नो यू, नॉट अबाउट यू, नॉट अबाउट योर नेम, नॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, नॉट अबाउट योर फेमस, स्वर्ग मान प्रतिष्ठा को जानने की जरूरत नहीं, ये तो हमें आपको मिल ही जाता है,
हमें स्वयं को जानना है। स्वयं को जो जानता है वो परमात्मा के संग रहता है। स्वयं को जो जानता है संसार के सभी सुखों में वह सुखी है। जो आनंद दुनिया के संपूर्ण संपदा को प्राप्त करने में, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को प्राइम मिनिस्टर, राजा बनने में नहीं मिलता होगा, वह आनंद एक योगी को अपने समाधि में बैठकर मिलता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ हो लेता है। वह जब समाधि में बैठता है तो परमात्मा का संग हो लेता, वो होता नहीं, उसकी आत्मा परुषे को प्राप्त कर जाती है। उस परुषे को नहीं, शारीरिक मानसिक बल की परुषे को नहीं, उस पुरुषत्व को जिसे हम आप ब्रह्मन कहते हैं, जिसे हम आप सत्य चिद आनंद कहते हैं, जिसे हम आप सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं, विच गिव्स यू द इनलाइटनमेंट, जो आपको काशित करता है, आपको इल्यूमिनेट करता है, जो आपको प्रभु का सानिध्य दिलाता है। यह हर किसी में संभव है। गंगा के तट पर बैठ कर कर सकते हैं, या अपने घर में बैठ कर कुटिया में कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वास्तव गंगा आपके घर में आ सकती है मन जब आपको पवित्र है तब, नहीं तो गंगा के तट पर अगर ऐसा नहीं होता, गंगा की महानता नहीं होती, हिमालय का महानता नहीं होता, तो आज हिमालय में हजारों लाखों साधु महात्मा लोग निवस्त्र हो करके भौतिक शरीर की मूल्यांकन को छोड़ करके अपने सूक्ष्म जगत में बैठे हुए अपने मग्न हैं, गहराई में डूबे हुए हैं, समाधि के गहराई में बैठ करके हमारे आपके लिए शिव की तरह सदियों से तपस्या कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, सुखी सुख पाए। लेकिन आपकी क्रियाकलापें, आपकी व्यवस्थाएं उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाती। आप अपने में इतना घिरे हुए हैं, आपने ऐसी चार दीवारी बना रखी है, अपने घर की चार दीवारी, अपने मन की चार दीवारी, अपने बुद्धि की चार दीवारी, अपने प्राप्त अहंकार, आप अपने अनेकों चार दीवारियों के बीच में, बाउंड्री के बीच में घेर लिए हैं कि वह चिंतन, वह प्रवाह यूँ ही यहाँ से चल करके, हिमालय चल करके सागर तक जाता है, और सागर से लौट करके फिर आपको हिमालय तक आता है। आप प्रतीक्षा करते रह जाते हैं, आपके लिए वो धारा बहती है। जब आपके लिए जब वो मैसेज चलता है तो आप सोए होते हो, और जब वो मैसेज गुजर जाता है तो आप जगते हो अहंकार के साथ, आडंबर के साथ में। यू आर नॉट एवर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव नॉट ए अलर्टनेस, यू आर नॉट बिकमिंग ए विटनेस। आप साक्षी नहीं बने हो, दृष्टा नहीं बनने की कोशिश करते हो। तुम अपना महत्व देते हो, अपने व्यक्तित्व का महत्व देते हो, अपने परिवार का महत्व देते हो, अपने धन धान का महत्व देते हैं। यू हैव नेवर गिवेन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, हु यू आर, वाट इज बिलोंग्स टू यू, वाट इज नॉट बिलोंग्स टू यू। संसार तो मिला है, किसको नहीं मिला है? अपने रूप में एक सड़क पर भिखारी कार पर भिक्षा मांग रहा है, ही हैज हिज समथिंग, ही हैज ए मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाई ही इज बेगिंग, बिकॉज ही वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसे एक साधु सब कुछ छोड़ करके जंगल में, हिमालय में जा करके वह बैठता है, चुपचाप बैठता है, मौन हो जाता है, शांत, किस लिए? ही हैज ए मीनिंग ऑफ लाइफ, उसको अपने जीवन का अर्थ को समझना है, वो अपने को समझना चाहता है, जीवन के अर्थ को, जीवन के मकसद को, जीवन के मीनिंग को। और आप धन धान को कमाने में अपने जीवन को अर्थ को समझना चाहते हैं। देर ए डिफरेंट बिटवीन यू एंड द हिमालयन पीपुल। आपके पास सभी साध हैं, आपके पास रिधियाँ हैं, आपके पास सिद्धियाँ हैं, आपके पास संपन्नता है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि ठहराव नहीं है। उसके पास ऐश्वर्य नहीं है, मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, धन नहीं है, धान नहीं है, विधि नहीं है, एक कुश की चटाई पर, लकड़ी पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास सुख है, शांति है, आनंद है, और आत्मा रूपी महान वैभव है। वह हर पल भगवान के साथ में, इसे वह परम सुख, परम शांति, परम आनंद में बैठा हुआ है। आप अपने घर में भी सभी साधनों के साथ रह करके कुछ देर ठहरने की आदत डाल देंगे, कुछ देर भुलाने की आदत डाल देंगे, कुछ देर सभी अवयव को, सभी मैटरलिज्म को, सभी थिंग्स को सेपरेट करके अकेले होने की कोशिश करेंगे, टू बी साइलेंस, टू बी एलॉन, वेरी एलॉन,
कंप्लीट अलोननेस इन टू योर सेल्फ देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू। इसलिए आप मनुष्य हो, इस जीवन यात्रा के पथ पर मनुष्य शरीर धारण करके आए हो, ओनली दिस चांस यू हैव, यही एक सुंदर समय आपको मिला हुआ है, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करके आए हो। तुम पशु नहीं हो, तुम पक्षी नहीं हो, तुम कीट नहीं हो, पतंग नहीं हो, जिन्हें केवल खाने की चिंता है, जो खाने के लिए भोग करने के लिए लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजारते, वो भोग प्रधान दुनिया है। उसी तरह से आप देवत्व भी नहीं हो, केवल भोग करोगे, डिवाइननेस को प्राप्त हो, आप मनुष्य हो। आप धीरे धीरे तल को छोड़ते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी सीढ़ी दर चढ़ते हुए एक ऊंचाई को छुए हो। आपने मन को प्राप्त किया है, आपने बुद्धि को प्राप्त किया है, आपके मन में आपके बुद्धि में संसार को प्राप्त करने का, संसार को बस में करने का, संसार को अपने अनुकूल ले जाने का या संसार को छोड़ देने की क्षमता आपके अंदर में है। आपको चूज करना है कि सुख, सुख तो सोचे संसार में नहीं है, सुख शांति आनंद या वैभव संसार में नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे किसी दुकान पर बेचा नहीं जा सकता। और शारीरिक सुख, मानसिक सुख, वैचारिक सुख, ईश्वर, मान, प्रतिष्ठा, उपाधि, टाइटल, क्षणभंग आनंद, यह सब संसार में है, जिसे आपके जो आपके पास है, लेकिन आप इनको छोड़ नहीं सकते और परम सुख, परम शांति, परम आनंद आपके पास आ नहीं सकता। आप 24 घंटे में कुछ पल भी अपने आप को सिमट लोगे। इफ यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ के आई एम नॉट ए पर्सनैलिटी, आई एम नॉट ए थिंग्स, आई एम नॉट ए मटेरियल, आई एम नॉट ए वर्ल्ड, आई एम समथिंग मोर 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 डीपर मोर एस्ट्रल मोर क्वांटम, आई एम समथिंग विच हैज ए मीनिंग टू ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। अगर आप ऐसी पथ पर चलते हो अथवा ज़्यादा कदा अपने काम को अधिक करने के लिए, अपने वैभव को अधिक बढ़ाने के लिए हिमालय के संतों के दर्शन में निकल आओगे, तो यह मानव जीवन आपका धन होगा। हिमालय अवश्य देता है, गंगा अवश्य देता। गंगा अगर नहीं होती, कल्पना करो भारत की क्या दशा होती। इस गंगा के तट पर सभी ऋषियों ने तपस्या किया है, गंगा के तट जल का सेवन करके सभी ऋषियों ने अपने को धन्य समझा है। या कोई ज्यादा लंबा समय से गंगा आपके पृथ्वी पर नहीं है, गंगा भागीरथी की देन है। भागीरथी को गंगा को लाने में भागीरथी से पूर्व अनेक लोगों ने कठिन तपस्याएं की है। गंगा ऐसे नहीं आए पृथ्वी पर, स्वर्ग को छोड़ करके गंगा पृथ्वी पर सहज में नहीं आ गई है। इसको लाने के लिए ऋषियों ने राजाओं ने बहुत तपस्या किया, और गंगा जब स्वर्ग छोड़कर आई है तो शिव के माध्यम से आई है। आप कल्पना कीजिए गंगा में कितनी ताकत है, कितनी पवित्रता है, कितनी मानता है, हमें आपको कितना पाक पवित्र कर सकती है, कितना शुद्ध कर सकती है, और इस गंगा को नष्ट किया जा रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट, सरकार भी दोषी है, भक्तगण भी दोषी हैं। आपने पेट के पालन करने के लिए आंदोलन करते हैं, आपने पेट अपनी भूख को मिटाने के लिए मेहनत करते हैं। जो गंगा मोक्ष दायिनी है, जो गंगा पापों को नष्ट करने वाली है, जिस गंगा में जीवन को पालन करने की क्षमता है, उस गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है, उसके ऊपर अनेकों बांध बना करके उसे रोका जा रहा है, उसके बहाव को, उसकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। क्या इस देश को होगा, नहीं कहा जा सकता है। वी कैन से वी नो व्हाट विल हैपन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते क्या होगा देश का। हम सब जानते हैं देश कहाँ जा रहा है, क्या होगा। हम सब जानते हैं नेताओं, मिनिस्टरों को, अफसरों को क्या होगा। मरना तो है, मरने के पहले किस रूप में गुजरेंगे हम सब जानते हैं, एक पल देख लेने के बाद मरना। लेकिन गंगा की दुर्दशा को देख करके लगता है कि गंगा पुनः स्वर्ग को लौट रही है, गंगा अपनी पवित्रता को छोड़ रही है, गंगा पृथ्वी से थक गई है, वो अपने स्वर्ग को लौटना चाहती है, और हम लोग इसे सुखाना चाहते हैं, हम लोग इससे विद्युत पैदा करके, हम लोग इसमें गंदगी फैला करके इसकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं।
इसे हम भारतवासियों को, अन्य विश्व के लोगों को हो या ना हो, हम भारतवासियों चाहिए कि सजग होना चाहिए, इस गंगा की रक्षा करना चाहिए, चाहे आप करो चाहे न करो। ऋषि लोगों की दृष्टि तो है, गंगा कमजोर नहीं है, गंगा खुद ही ढा सकती है, गंगा सब बाढ़ ला सकती है, गंगा तूफान ला सकती है, गंगा सब किसी को डुबा करके ख़त्म कर सकती है। एक दिन ऐसा हुआ, दिन ना आ जाए गंगा कुपित हो जाए और ये सारे बांधे टूट जाए और सब जो पापी हैं, जिन पापियों ने इनके दूसरे लोगों को बहा करके ले जाए, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा डर है। लेकिन हम लोगों के पूजा से, प्रार्थना से, संतों के पूजा प्रार्थना से गंगा ठहरी है, गंगा संतों के को स्पर्श पा करके ठहरी है। जिस दिन गंगा को संतों का स्पर्श नहीं मिलेगा, सिद्धों का स्पर्श नहीं मिलेगा, साक्षात्कार के ऋषि मुनियों का स्पर्श नहीं मिलेगा, उस दिन गंगा मटिया मेट कर देगी, यह सोच के बैठिए। इसलिए आप गंगा को बचाइए, अपने जीवन की रक्षा कीजिए, अपने को पापों से मुक्त कीजिए, एक पवित्र और महान जीवन जीने के लिए आप अपनी ओर लौटिए। कम बैक टू योर सेल्फ, लुक इन टू योर सेल्फ, डाइव विद इन योर सेल्फ, अपने में डूबो, अपने अंदर फैली गंदगी को अपने विचारों में परिवर्तन करो। तुम एक योगी बन जाओगे, एक ऐसा योगी जो अपने में समाहित होकर के पूरे ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करोगे, जो अपने में समाहित होकर पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ करके, जल तत्व के साथ जुड़ करके, अग्नि तत्व के साथ एकाकार करके, वायु तत्व के साथ सानिध्य स्थापित करके, अंतरिक्ष के साथ जुड़कर तुम मानव का कल्याण अकेले कर सकते हो, जो लाखों करोड़ों लोग नहीं कर सकते हैं। एक योगी अकेले अपने में एकाकार स्थापित करते हुए विश्व का कल्याण कर सकता है, आपका कल्याण कर सकता है। इसलिए हम आप सबको वेलकम करते हैं, आप सबको स्वागत करते हैं कि आप अपनी गंगा जो आपके अंदर बह रही है उस गंगा की ओर लौटिए, उस गंगा की ओर लौटिए जो गंगा इस पृथ्वी पर विश्व में केवल भारत भूमि में बह रही है। आप अपनी गंगा की पवित्रता में स्नान करते हुए, अपने अंदर के त्रिवेणी में स्नान करते हुए, इस बाहर के त्रिवेणी में, बाहर के तट पर आकर के उसका समावेश कीजिए, जिससे आपका जीवन महान बन जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। ये मेरी शुभकामना है। फिर हम कभी आपको कायाकल्प से मिलाएंगे, आपके शरीर को कायाकल्प कैसे किया जाता है, आपके मन को कायाकल्प कैसे किया जाता है, आपके बुद्धि के कायाकल्प कैसे किया जाता है, और स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ विवेक में रह करके हम संसार का कल्याण करते हुए अपने को गंगा की तरह मोक्षदायिनी बनकर कैसे जिया जा सकता है, हम आपको कभी मिलाएंगे, गंगा के आनंद से आपको परिचय कराएंगे। हरिओम दर्शक, अभियान का अलग जलाते हुए महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम, A65 पंचवटी अपार्टमेंट, विकासपुरी, न्यू दिल्ली, फोन 011-2853-4110। महायोगी पायलट बाबा आश्रम, कल्ला गेटिया, नैनीताल, उत्तरांचल, फोन 059-4222-4026। और महायोगी पायलट बाबा आश्रम, दक्ष रोड, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल, फोन 01334245868।